दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज तक की अनोखी दुनिया में। आज हम बनाएंगे कुछ नई नई कलाकृतियां जिन्हें बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहिए तो क्या, बस कुछ रोजमर्रा की चीजें और आपका थोड़ा सा वक्त। तो चलिए देखते हैं कि आज के शो में हम क्या क्या करने वाले हैं। इसे बनाकर तो आप बन जाएंगे कठपुतलियों के मास्टर। एक बड़ी कलाकृति जो आपके डॉगी को भी चौंका देगी। एक तरकीब जिससे आपके पेंटिंग्स जगमगा उठेंगे। एक चीज जो आपकी कीमती और जरूरी चीजों को संभाल कर रखेगी। और पर्यावरण को बचाने के लिए नारियल अन्ना के कुछ नुस्खे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। राजकुमारी आज तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा। रुक जा डरावने ड्रैगन, एक कदम आगे मत बढ़ना। मेरी आग से बच के कैसे जाएगा राजकुमार। क्या आप लोग को रोमांचकारी कहानियां पसंद है? ऐसी कहानियां जिसमें डरावने ड्रैगन और हीरोज होते हैं। और आप क्या खुद के कैरेक्टर्स और थिएटर बनाना चाहते हैं? फिर तो आप इस शो में अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करके थिएटर को हाउसफुल कर सकते हैं। तो थिएटर बनाने के लिए हमें चाहिए एक इस तरह का कार्डबोर्ड का डब्बा। ध्यान रहे कि ये काफी मजबूत हो ताकि आपका थिएटर मजबूती से खड़ा रहे। सोचो कितनी मुसीबत हो जाएगी अगर वो थिएटर बीच में ही गिर गया। अब हमें इस डब्बे को खोलना है और एक इस तरह से काटना है ताकि आपको इस तरह का एक टुकड़ा मिले। देखिए इसमें एक बड़ा टुकड़ा बीच में है और साइड में है दो छोटे टुकड़े। और ये देखिए कि ये किस तरह खड़ा हो गया। अब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। आगे वाले साइड के सेंटर में एक रेक्टेंगल बना दीजिए, इतना बड़ा जिसमें आपके पपेट्स आसानी से घूम सकें। और हाँ, इसके चारों तरफ जगह छोड़ना मत भूलना। वो जगह क्यों छोड़नी है ये जल्द ही पता चल जाएगा। अब मार्क किया हुआ हिस्सा काट लीजिए, ये बनेगा आपके थिएटर का स्टेज। हमारा थिएटर धीरे धीरे तैयार हो रहा है, पर पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस थिएटर में हमारे पपेट्स परफॉर्म किस पे करेंगे। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक स्टेज यानी रंगमंच, जिसमें देंगे ड्रैगन और हीरो एक दूसरे को पंच। तो चलिए बना देते हैं इस थिएटर का रंगमंच। एक कार्डबोर्ड पर इस किले की दो मीनारा ड्रॉ कीजिए। टाइल्स का इफेक्ट देने के लिए आप किसी बोतल का ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब उन्हें काट लीजिए। वाह, ये थिएटर तो बहुत बढ़िया बन गया है। क्या आपको अभी से शो शुरू करना है? अरे रुकिए रुकिए, इतने उतावले मत होइए। अभी तो विलेन हीरो हीरोइन किसी का पता ही नहीं है। पहले हम बनाएंगे अपने हीरो हीरोइन। चलिए एक पतले कार्डबोर्ड पर अपने कैरेक्टर्स ड्रॉ कर लीजिए। इसके लिए आप बिस्किट या कॉर्नफ्लेक्स का पुराना डब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस पर राजकुमारी के रेशमी बाल बनाऊंगा और उसके लिए एक प्यारी सी हैट भी बनाऊंगा। और राजकुमार के लिए मैं बनाऊंगा एक शानदार सूट और मैं बनाऊंगा एक ड्रैगन। अब इन सबको काट लीजिए। अब है इन्हें रंगने की, तो चलिए फटाफट अपने ब्रश और रंग लेके आते हैं। अब एक ब्लैक मार्कर से इसके डिटेल्स ड्रॉ कर लीजिए। इसके छत पर कुछ लाइंस बना दीजिए ताकि ये एक कोन के जैसा दिखे। और कुछ बड़े बड़े पत्थर भी बना लीजिए जो इस किले के चारों तरफ होंगे। और हाँ, हमें इस तरफ इसकी खिड़कियां भी बनानी है। अपने इस किले को आकर्षक और ब्राइट रंगों से पेंट करिए। जैसे ही पेंट सूख जाए आउटलाइंस को काले मार्कर से बना दीजिए और फिर क्रेयॉन से शेडिंग कर दीजिए ताकि इसे थोड़ी गहराई मिले। अब अपने कैरेक्टर्स को पेंट करना शुरू कीजिए। राजकुमार की त्वचा के लिए हल्का गुलाबी रंग ले लीजिए और उसके हथियारों को सिल्वर कलर देकर तेज और चमकदार बनाइए ताकि वो ड्रैगन के पंजों का डटकर मुकाबला कर सके। और ये ड्रैगन होगा बिल्कुल हरा, किसी भयानक क्रिकेट की तरह।
ये हमारे सुनहरे और लंबे बालों वाली राजकुमारी है, जो एक शानदार नीला ड्रेस पहनकर अपने राजकुमार का इंतजार कर रही है। जैसे ही पेंट सूख जाए, आउटलाइंस को काले मार्कर से बना दीजिए और फिर क्रेयॉन से शेडिंग कर दीजिए ताकि इसे थोड़ी गहराई मिले। अब हमें इन कठपुतलियों को जल्दी ही पूरा करना है। इसके लिए हर कैरेक्टर के पीछे ये टूथपिक इस टेप से चिपका दीजिए। तो हमारा थिएटर तैयार है। ये देखिए, इसमें मैंने एक सुंदर सा पर्दा भी बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने एक चमकीले कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है। अब इस पर नजर डालिए, ये हैं छोटे छोटे झंडे, प्यारे हैं ना। अब मेरे किरदार की बारी। ये है हमारा लड़ाका राजकुमार, ये एक प्यारी सी राजकुमारी, और ये वाला है खतरनाक ड्रैगन। आप जो चाहे वैसी कहानी बना सकते हैं। जैसे ये है अंतरिक्ष का सबसे बड़ा थिएटर, इसे तो देखिए, छोटा सा एलियन और एक अंतरिक्ष यात्री, ये दोनों यान में बैठ के जा रहे हैं सूरज की ओर। आप अपने मनपसंद किरदार बना सकते हैं और अपने शो में अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं, वो भी अपने खुद के थिएटर में। नमस्कार, हार्ट अटैक की नारियल अन्ना के अंडमान और चौकुमार आइलैंड पर आपका स्वागत है। मुझे पक्का पता है कि आप थिएटर बनाना सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपका मेमोरी रिफ्रेश करता हूँ। पहले एक कार्डबोर्ड बॉक्स लीजिए, फिर स्टेज बनाने के लिए बॉक्स के सेंटर में एक रेक्टेंगल बनाकर कट कीजिए। मीनारे बनाने के लिए इसे पहले कार्डबोर्ड पर आराम से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद छत पर कुछ लकीरें और दीवारों पर कुछ पत्थर के आकार बनाइए। इस थिएटर को आप अपने मनपसंद कलर से भी पेंट कर सकते हैं। जब तक आपके थिएटर का रंग सूखता है, तब तक आप कार्डबोर्ड पे अपने कैरेक्टर्स ड्रॉ कीजिए और उसके बाद उसे आप पेंट कीजिए और हर कैरेक्टर के पीछे एक टूथपिक चिपका दीजिए। मेरे दिमाग में आइडिया की एक बत्ती जली है, क्यों ना मैं अपने आप को एक मेन रोल में आपके सामने पेश करूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने आए हैं सुपरस्टार नारियल अन्ना। बहुत सालों पहले इस दुनिया में एक नारियल का पेड़ था जिसके सर पर हरी पत्तियों की जुल्फे थी। वो वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ती थी और दूसरे पेड़ उसे देखकर जलती थी। उसके पास बहुत मीठे नारियल थे और बहुत ही मजबूत तना, और वो अपने आइलैंड को कभी गंदा नहीं करती थी। अरे अरे, ये क्या, मुझे छोड़कर मत जाओ, अभी तो शुरुआत है, तुम्हें मेरे नारियल की छटनी का वास्ता। जब आप अपने डॉगी को बुलाते हैं तो क्या वो आपकी बात मानता है? मेरा रॉकी तो बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, पर उसे गार्डन में घूमने का बहुत शौक है। मेरे दोस्त एलेक्स के डॉगी को भी वही पसंद है। पिछले हफ्ते एलेक्स और उसका डॉगी गार्डन में खेल रहे थे। एलेक्स ने बॉल फेंका और उसका डॉगी बॉल वापस लेके आ गया। एलेक्स ने फिर से बॉल फेंका तो डॉगी फिर से बॉल वापस लेके आ गया, पर तीसरी बार गलती से एलेक्स ने बॉल गलत दिशा में फेंक दिया और इसमें गड़बड़ी हो गई। एलेक्स वो घटना घास पर एक कलाकृति बना के हमें बताने जा रहा है। जरा ये बताइए, उसने अपनी हरी चेन कहाँ पे रखी है? वो रॉकी, रॉकी
क्यों कितना गलत हुआ ना उस लड़के के साथ। तो क्या आपको पता चला एलेक्स ने अपनी चेन कहां पे रखी है? रॉकी, रॉकी, प्लीज सिट, सिट, सिट बॉय। क्या एलेक्स का डॉगी इनविजिबल यानी अदृश्य है? वाह, एलेक्स ने तो हरी चेन डॉगी के गर्दन पर रखी है। वाह एलेक्स बाबू वाह, अगर अगली बार बॉल को फेंको तो जरूर ध्यान रहे कि किसी को क्लीन बोल ना कर देना। रॉकी, रॉकी, रॉकी। आपने कई बार जगमगाती बिल्डिंग या फिर आसमान में चमकते सूरज या टिमटिम करते तारों की पेंटिंग तो जरूर बनाई होगी, पर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें आप उस पेंटिंग में चमकती चीजों की चमक को अच्छी तरह नहीं दर्शा पाते, क्यों है ना? तो दोस्त लोग फिगर नॉट, आज मैं आपको सिखाऊंगा वो तकनीक जिसकी मदद से आपकी पेंटिंग चमचमा उठेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए बस दो चीजें, रंगीन चौक और आपकी उंगली। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। आप जो डिजाइन बनाना चाहते हैं उसे पेपर पर ड्रॉ कीजिए। मैंने बनाया है एक स्पेसशिप और कई सारे प्लैनेट्स और तारे। पहले हल्के रंगों से शुरुआत कीजिए, उसके बाद गहरे रंगों का इस्तेमाल कीजिए जिनकी वजह से आपके पेंटिंग की बारीकियां उभर कर आएंगी। पूरे पेंटिंग में जितनी भी चीजें आपने बनाई हैं, उन सभी पर इस तकनीक का प्रयोग कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि कैसे हल्के और गहरे रंगों की मदद से हमारे पेंटिंग का रूप ही बदल रहा है। चौक के इस्तेमाल से पेंटिंग और भी उभर कर आती है, देखा? दोस्तों जब भी आप घर में चौक से ड्राइंग करें तो ड्राइंग के नीचे न्यूज़पेपर डालना ना भूलें, क्योंकि चौक से बहुत सारा पाउडर निकलता है और ये आपके घर में हर तरफ फैलकर सब कुछ गंदा कर देता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जादू, तो गौर से देखिए। अपनी उंगली को पेंटिंग पर इस तरह से घुमाइए, इससे सारे रंग एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। देखिए गाढ़े और हल्के नीले रंग एक दूसरे में कैसे मिल रहे हैं। सारे रंगों के साथ ऐसा ही कीजिए। और हाँ, हर रंग को छूने से पहले अपने हाथ धोना ना भूलें। अगर अलग अलग रंग एक दूसरे में मिल गए तो आपकी पेंटिंग गंदी हो जाएगी। देखा कितना आसान तरीका है ये, और इसकी वजह से हमारा पेंटिंग कितना अलग लग रहा है ना जादुई? सारे ग्रह और सितारे कितने चमक रहे हैं और इसकी रोशनी से हमारा स्पेसशिप भी चमक उठा है। आप तो समझ ही गए होंगे कि इस तकनीक में उंगली का इस्तेमाल कितना जरूरी है। और ये देखिए मेरे पास एक और पेंटिंग है ना झकास? तो आप भी दिखाइए अपनी उंगलियों का जादू और बनाइए एक से एक खूबसूरत चमचमाते पेंटिंग। ऐसी चांदनी रात में मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आती है। मेरी प्यारी नारियल बर्फी, तुम कहाँ हो? तुम्हारी जुदाई में मेरे नारियल का पानी आंसू बनकर टपक रहा है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैंने मेरी नारियल बर्फी के लिए अपना फोटो बनाया है। मैं ये फोटो लहरों के जरिए तुम तक भेजने वाला हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि कोई भूखी मछली बीच में इसे खा न ले। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अचानक याद आ जाता है कि आज तो आपके दोस्त का बर्थडे है और आपको उसके लिए एक प्रेजेंट लेना है? जब भी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं अपना इमरजेंसी मनी बॉक्स का सहारा लेता हूं। ये देखिए, इस पर लिखा होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक ग्लास, यानी जरूरत के समय इस कांच को तोड़ें। मैं एक डिब्बे की मदद से इसे कैसे बनाता हूं आइए बताता हूं आपको।
एक शू बॉक्स लीजिए और उसका ढक्कन निकाल लीजिए। इसके एक तरफ एक खांचा बना लीजिए और फिर उसे काटिए। अब ढक्कन से हम बनाएंगे झूठी कांच का फ्रेम। ढक्कन के चारों किनारों से दो उंगलियों के अंतर पर निशान बना लीजिए। फिर एक लंबी रूलर की मदद से इन सारे निशानों को जोड़िए और एक फ्रेम बनाइए। अब इसे काट लें। याद रखिए, किसका खांचा इतना बड़ा होना चाहिए कि इसमें सिक्कों के साथ साथ नोट भी जाने चाहिए। क्या बात है, आपने दो ही टुकड़ों के साथ पूरी गुल्लक यानी मनी बॉक्स बना लिया। आपके इस पैसों के खजाने को कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि हम इस डिब्बे को एक लोहे जैसा सख्त बनाने वाले हैं। नहीं नहीं, इस पे लोहा नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि इसे इस तरह रंग करेंगे कि ये लोहे जैसा लगे। अब डिब्बे के अंदर पूरी तरह से काला रंग लगा दीजिए। एक मोटे ब्रश से ये काम आसानी से हो जाएगा। अब बाहरी तरफ लाल रंग लगाइए। डिब्बे के निचले हिस्से को भी रंग लगाना मत भूलिए। ढक्कन को भी इसी तरह से रंग लगाइए। अब हम देंगे इस डिब्बे को लोहे के डिब्बे जैसा रूप। रंग सूख जाने पर एक काले मार्कर पेन से हर कोने पर एक स्क्रू का ड्राइंग बना लीजिए, जिससे ऐसा लगेगा कि लोहे के हर टुकड़े को जोड़ने के लिए एक स्क्रू का इस्तेमाल करा गया है। अब फ्रेम को जोड़ दीजिए और जो भी डिजाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। हमें ये बात जतानी है कि ये डिब्बा लोहे से बना है और मजबूत है, ताकि कोई इसे खोलने के बारे में सोचे भी ना। देखिए, मैंने इस डिब्बे पर इस तरह से शेडिंग करी है कि बिल्कुल असली लोहे जैसा दिखता है। सारे स्क्रूज पर भी मैंने सिल्वर रंग लगा दिया है। अब हमें कांच बनाना है। इसके लिए हम ऐसा प्लास्टिक फाइल लेंगे जो आपको किसी भी स्टेशनरी दुकान पे मिल जाएगा। आप देखिए, इसका ट्रांसपेरेंट हिस्सा बिल्कुल कांच जैसा लगता है ना। अब हम इसका इस्तेमाल करके हमारे डिब्बे को पूरा करेंगे। अब एक पतले ब्रश से सफेद रंग में इस पर लिखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक द ग्लास। अब इस ट्रांसपेरेंट शीट को डब्बे के अंदर की तरफ चिपका दीजिए, ठीक इस तरह। चारों तरफ टेप लगाकर इसे अच्छी तरह चिपका लें। सबसे आखिर में ढक्कन को डिब्बे से चिपका दें और लीजिए, ये बन गया। देखा कितना आसान है बनाना अपना खुद का इमरजेंसी मनी बॉक्स। अब इसमें हर रोज एक एक सिक्का जमा करते जाइए और जिस दिन आपको उन पैसों की जरूरत पड़े, इसको खोलकर सारे पैसे निकाल लीजिए। आप इस डब्बे को अलग अलग तरीके से रंग लगा सकते हैं। इसे देखिए, इसमें मैंने काला और पीले रंग से रंगा है, और ये वाला भी कुछ कम खूबसूरत नहीं लग रहा, क्या बोलते हैं? तो चलिए, अब आपकी बारी है। एक शू बॉक्स लीजिए और अपना खुद का मनी बॉक्स बनाइए और अपने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। अब मुझे अपने दोस्त के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेने जाना है, तो मुझे जाना होगा। आपसे अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, जहां हम सीखेंगे कुछ नई चीजें और करेंगे बहुत सारी मस्ती। तब तक के लिए बाय बाय।